हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सकें। इस वीडियो में मैं DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलगुड़ी का जो है ऑनलाइन फीस कैसे पेमेंट करते हैं इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी डेस्कटॉप हो या तो लैपटॉप, टैब, आईपैड डिवाइस से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को गूगल में जाके सर्च करना होगा DPS सिलगुड़ी ऑनलाइन फी पेमेंट। तो जैसे आप सर्च करते हैं इस तरीके के जो है यहाँ पे जो ऑप्शन खुल जाता है और DPS के जो www.dps.org बोल के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं तो DPS सिलगुड़ी का जो है वेबसाइट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज खुल गया है और पेज में आप देख सकते हैं दूसरा नंबर पर स्टूडेंट लॉगिन बोल के एक ऑप्शन है। तो वही ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस तरीके का जो पेज खुल जाता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइप करना होगा, लॉगिन डिटेल। तो ID पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देने के बाद नीचे सबमिट बटन में क्लिक कर देना है और सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिया गया है। अगर आप स्कूल रिसेप्शन को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फीस रिलेटेड क्वायरी है तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन और नीचे सभी ऑफिशियल सर्विस ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे ओवर द टेलीफोन और जो है ईमेल के जरिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिया गया है, कैंसिल और ओके। तो इसमें ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का जो पेज खुल जाता है उसके बाद में आप देख सकते हैं सबसे टॉप में थर्ड नंबर का ऑप्शन है पे फी। तो पे फी में क्लिक कर देना है। पे फी में क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का जो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाता है और उसके बाद में यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस, फी अमाउंट, नेट फी पेएबल, पूरा डिटेल ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और नेट फी पेएबल या तो आप जितना भी अमाउंट टाइप करके भी यहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ नेट फी वैसे ही छोड़ दिया और तो नीचे पे फी ऑनलाइन बोल के बटन है उसमें क्लिक कर देना है। वो बटन क्लिक करके नेक्स्ट पेज खुल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये सारा पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट मेथड टोटल 8 पेमेंट मेथड दिया गया है। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शन में आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, UPI, वॉलेट, फ़ोनपे और एक्सप्रेस पेमेंट। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करने को जा रहा हूँ। नेट बैंकिंग को क्लिक करता हूँ तो नेट बैंकिंग में क्लिक करते कि इस तरीके का जो है डिस्प्ले आ जाता है। यहाँ पे नेट बैंकिंग के जरिए डिफरेंट पेमेंट मेथड में डिफरेंट चार्जेस लगेंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं पॉपुलर बैंक्स ऊपर जो डिस्प्ले दिया गया है टोटल 6 बैंक और उसके नीचे सेलेक्ट बैंक बोल के लिखा हुआ है। अगर ऊपर में से आप लोगों का किसी में अकाउंट नहीं है तो आप नीचे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकाउंट जो भी बैंक में हो। और सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट बोल के बटन है तो उसमें क्लिक कर देना है। उस बटन में क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का डिस्प्ले खुल जाता है जहाँ पे जैसे कि मैंने नेट बैंकिंग चूज किया है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया है। एक्सिस बैंक का अकाउंट से मैं पेमेंट करने को जा रहा हूँ और यहाँ पे यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल दिया मैंने, लॉगिन कर दिया। और लॉगिन करने के बाद इस तरीके का डिटेल खुल गया है यहाँ पे और मेरा मोबाइल में OTP भी आ चुका है और टाइप कर दिया मैंने। OTP टाइप करके नीचे कन्फर्म बटन में क्लिक कर दिया। कन्फर्म बटन में क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बोल के आया है। तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिसिप्ट भी आ चुका है और आप चाहे तो ये रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं या तो सेव करके कंप्यूटर या तो मोबाइल डिवाइस में रख सकते हैं आपके रिकॉर्ड के लिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है आपके बच्चों का स्कूल फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलता होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।